The all-new Voot Kids app brings you over 200 plus tunes to watch. ओह, ये डॉक्टर झटका कहीं भी कुछ भी रख देता है। ये सीढ़ी गोडाउन में रखी होनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो। बचाओ कोई, सीढ़ी कहाँ गई? डॉक्टर झटका किधर है? इधर है, ये नहीं बोला था कि इधर आ जाओ। अरे घसीटे, मेरी सीढ़ी अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ऊपर से बहुत जरूरी सामान निकालना है, देर नहीं कर सकता यार। बूढ़ी बाबा, लॉक से बिना सीढ़ी सामान निकालने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। लो, अब इतनी सारी किताबें यहाँ रखती, ये डॉक्टर झटका नहीं सुधरेंगे। नाना का खजाना, ये किताब तो काम की लगती है। मार सुटिया पापड़ वाले नू, कमर तोड़ दी। डॉक्टर झटका, ये किताब कैसी है? देखो, इस पे लिखा है नाना का खजाना। लाओ देखूं, पता नहीं कहां से आई है। क्या हो? समुद्री खजाना। चलो हम ढूंढने चलते हैं। उड़ी पापा, हम तुम दोनों के साथ नहीं जाएगा, चाहे खजाना मिले या ना मिले। ओए, मुझे भी समुद्र से डर लगता है, लेकिन अगर तुम दोनों खजाना हमारे साथ बराबर से बांटोगे तो मैं तुम्हें ऐसी दवा दे सकता हूँ जिसे खा के तुम दोनों मछली की तरह पानी में सांस ले सकते हो, देख सकते हो, तैर सकते हो और बात कर सकते हो। यार क्या कह रहे हो डॉक्टर झटका, क्या ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा संभव है मेरे दोस्त, मेरे यार। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। नंबर वन कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? मैं भूख से परेशान हूँ, वो कुछ लाया क्यों नहीं? वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है? कविता को छोड़ो, कुछ रुपए का बंदोबस्त किया कि नहीं? भूख से परेशान हूँ। बस बस, ऐसी खुशी की खबर लाया हूँ कि सुन के यकीन नहीं होगा। खुशी की खबर? ये खुशी कौन है और मुझे खुशी से क्या मतलब है? अरे खुशी का मतलब है ऐसी खबर जिसे सुन के आप खुश हो जाओगे। मोटू पतलू के रहते मैं कभी खुश हो सकता हूँ? जो भी करता हूँ वो टांग अड़ा देते हैं। बस इस बार आप उनके काम में टांग अड़ाना। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। ये लो मेरी यार, मेरे भाई, ये फिश कैप्सूल खा लो और फिर तुम फिश की तरह ही समुद्र के अंदर सब काम कर सकते हो। ओए, अब तुम दोनों तैयार हो? हम तैयार हैं। पुड़ी बाबा, 20 साल का तजुर्बा में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। वो एक बात और बतानी थी लेकिन याद नहीं आ रही यार। बाद में बता देना बड़े भैया, मैं और इंतजार नहीं कर सकता।
याद आया। और अगर तुम लोगों को भूख लगे तो जो चीजें मछलियाँ खाती हैं, वो हर चीज तुम्हें अपने खाने जैसी लगेंगी। हाँ पूरी बाबा, इसका मतलब अगर इनको भूख लगी तो ये कच्चा मछली, झींगा, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी पकड़ के खा लेगा। हाँ, क्योंकि इनके अंदर मछली जैसे गुण आ गए हैं। वैसे मुझे तुम्हारी नहीं, मोटू की चिंता है, उसे ही भूख ज्यादा लगती है ना यार। चिंता मत कीजिए, खजाना मिलते ही मैं मोटू को ऊपर ले आऊंगा। वो देखो, नक्शे जैसी लोकेशन में हम आ गए। हम ठीक रास्ते में जा रहे हैं। कितनी सुंदर जगह है, चलो थोड़ा आराम करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये टीला नहीं, ऑक्टोपस है। बचाओ! थैंक्स भाई, बड़े मौके पर आए हो। जोर से खींचो, खींचो। थैंक यू, बच गए। धन्यवाद, हमें बचाने नहीं, अपना शिकार बनाने आया था। बचाओ! ये क्या? ये तो पूरी फौज है। जल्दी कुछ करो मोटू। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ करो। हे ऊपर वाले, हमें खजाना नहीं चाहिए। हे ऊपर वाले, एक बार बचा ले फिर लालच नहीं करूंगा। अब चलो भी, इनको मार के क्या फायदा? शार्क, बचाओ! वो देखो बास, मोटू कैसे शार्क्स को मार रहा है। वो कितना बहादुर है। फंसे हुए शार्क को मारना बुजदिली का काम है। जो आजाद शार्क को मारे, जॉन उसका नाम है। वाह बास, वाह, क्या कविता बनाई है बास। ऊपर वाले ने आपकी सुन ली। आजाद शार्क्स को मार के अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिल गया बास, मौका मिल गया। खोलो खोलो जल्दी, बचाओ! अरे बास बास, आप आजाद शार्क्स को नहीं मारोगे? क्यों मुझे मरवाना चाहते हो? हम खजाना ढूंढ रहे हैं, शार्क से लड़ने नहीं। बस करो मोटू, इतना गुस्सा ठीक नहीं। जल्दी से खजाना ढूंढ के यहाँ से भागते हैं। खाना ढूंढूं? हाँ, मुझे भूख लग रही है। खाना नहीं, खाना नहीं, खजाना, खजाना ढूंढो। समोसे! मजा आ गया। वो समोसे नहीं है, शार्क है। सुनो सुनो, डॉक्टर झटका ने कहा था कि वो आदम खोर आदमी दिख रहा है। अरे भागो भागो, अपनी जान बचाओ। समोसे!
बस बस, मोटू की बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं। वो देखो अकेले ही इतनी शार्क्स को मार मार के भगा रहा है। चुप कर, जब देखो मोटू की तारीफ करता रहता है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ या फिर मोटू। चलो अब तुम्हारी भूख का भूत उतर गया हो तो खजाना ढूंढे। कमाल है, पता नहीं मुझे हर तरफ समोसे ही समोसे क्यों दिखाई दे रहा है। वो डॉक्टर झटका की दवा का असर है। पतलू एक छोटा सा काम कर दो, वो खजाना मेरे नाम कर दो। वाह बॉस वाह, क्या कविता बनाई है। कविता छोड़ो, खजाना छीनो। ओए अभी तक मोटू पतलू नहीं आया यार। ओए मार डाला, ये कहां से आ गया। उड़ी बाबा, ये वेल के पेट से कैसे निकला। बड़े भैया सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। दरअसल वेल हमें निकल गई थी और साथ में खजाना भी। हमें तो फेंक दिया लेकिन खजाना खा के बैठ गई। चोर कहीं की। खजाना उसी के पास है, वो देखो। वेल वेल, एक दो ना प्लीज। इंडिया की टीम को सिर्फ 4 रन चाहिए, लेकिन एक बॉल ही बची है। क्या वो एक बॉल पे 4 रन बना सकते हैं? देखते हैं एक ब्रेक के बाद। ये क्रिकेट प्लेयर्स के मजे ही मजे हैं, पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्रिकेट खेल के तो करोड़ों मिलता ही है, एड्स में भी करोड़ों कमा लेते हैं। काश हम भी क्रिकेट प्लेयर होते तो हम भी स्टार होते। मुझे तो एड्स करने में बड़ा मजा आता है। मुझे भी। सोचो हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऐड कर रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। वजन मुक्ति दवा, दवा अंदर वजन बाहर। जैसे कि मैं एकदम स्वस्थ शरीर की निशानी वजन मुक्ति दवा। जी हाँ, मैंने भी इस दवा का सेवन किया है और आज मैं एकदम चुस्त दुरुस्त हूँ। वजन मुक्ति दवा, सेहत चुस्त तो दिमाग दुरुस्त। सांस रोके रोके थक गया। ये पैड पहन के तो मैं थक गया। क्यों ना हम भी क्रिकेट प्लेयर बने। हाँ हाँ, हम मोटू पतलू क्रिकेट लीग के नाम से क्रिकेट शुरू करते हैं और दुनिया को दिखा देंगे कि हम कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। चलो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सब लोगों को इकट्ठा करते हैं। भाया बहुत अच्छा ख्याल है, मैं भी क्रिकेट खेलूंगा। हाँ, और समोसे कौन बनाएगा। अरे जब करोड़ों कमाने हैं तो समोसे बनाने का टाइम ही कहाँ मिलेगा। अरे ये बॉल किसने मारी। अम्मा तुमने क्यों पूछा जी, हम तो गोल ही मारता, बॉल नहीं। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो तो में से किसी एक ने तो बॉल मारी होगी। हमसे गलती हो गई, अब दोबारा क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हाँ हाँ, वी आर सॉरी। अरे सॉरी कहने की कोई बात नहीं,
खेल खेल में तो हो ही जाता है। मुझे भी खेलना बहुत पसंद है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ और पता नहीं जब मैं किक मारता हूँ तो फुटबॉल कितनी दूर जाती है। उड़ी बाबा कितनी दूर? इधर आओ, सब लोग खड़े होके एक साथ उधर देखो। ये लो ये लो ये लो ये लो, मोदी जाके देख लो कि बॉल कितनी दूर जाती है। फिर कभी क्रिकेट खेला तो मैं अगली बार तुम्हारे साथ हॉकी खेलूंगा। कमर तोड़ दी। ओए कसम मेरे मरीजों की, एक बार बॉक्सर मेरे क्लिनिक में आ जाए फिर ऐसा हाल करूंगा कि वो बॉक्सिंग करना भूल जाएगा। हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें कुछ करना ही होगा। हाँ करना ही होगा यार। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ इस जंगल में खेल सकते हैं, देखो कितनी अच्छी जगह है। उड़ी बाबा जंगल में क्रिकेट, हमको तो डर लगता है। Why fear when Chingam is here? Chingam के चंगुल से बचना impossible. अब की कोई आया तो गोली मार दूंगा, मार 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 दूंगा। बिना बॉल फेंके ही एक विकेट गिर गया। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग, दरवाजा खोल दे वरना फेंकूंगा बम। ये क्या है, आजकल के जमाने में अली बाबा 40 चोर? ये तो अली बाबा 10 चोर लग रहे हैं। चिंगम सर उठो, अभी पुलिस की सख्त जरूरत है। उठो उठो। बीचक दाना दाने को मैं खाऊंगा, जल्दी से बंद हो जा वरना बॉम्ब से तुझे उड़ाऊंगा। चिंगम सर पकड़ो, रोको उन्हें। वो कौन है वो? स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ, कमांड यू। हाय चिंगम सर, ये गुफा डाकुओं का अड्डा है, हो सकता है अंदर खजाना हो। सब पीछे हट जाओ, मैं दरवाजा खुलवाता हूँ। ओपन इन द नेम ऑफ लॉ, तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, दरवाजा खोल दो। डिंग डोंग बेल, पुसी इन द वेल, और क्या था? अरे ये तो नर्सरी राइम है, ये नहीं कहा था उसने? कहा था डिंग डोंग डिंग डिंग डोंग, दरवाजा खोल दे वरना फेंकूंगा बॉम्ब। ये सब हमारा है, जो चाहे ले लो। तो चोरों के घर चोरी करने आए हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके मन में ये ख्याल आया है कैसे? नेम इज चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। अभी सरेंडर कर दो, कर 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 दो। द नेम इज छिप्पर, छिप्पर सिंह। छिप्पर की गोली से बचना इम्पॉसिबल, कोई भी हिला तो गोली मार दूंगा। मेरा डायलॉग बोलता है। ओ छिब्बर, मेरे भाई, मेरे यार, बड़े भ्रा, हम तो जंगल में क्रिकेट खेलने आए थे, गलती से यहाँ आ गए यार। क्योंकि तुम गलती से यहाँ आ गए इसलिए तुम सबको जीने का एक मौका देता हूँ। हमसे किसी भी चीज का मुकाबला करो, अगर जीत गए तो बाहर जाओगे और अगर हार गए तो ऊपर जाओगे। निशानेबाजी का मुकाबला कैसा रहेगा? चिप्पर सर, ऊपर से नारियल गिराने का मुकाबला करना है क्या? शट अप, हम मजाक के मूड में नहीं हैं। मोटू कुछ करो जल्दी वरना गए ऊपर। मैं क्या करूं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, चिप्पर सर चलिए भागने का मुकाबला करते हैं, देखते हैं कौन तेज भागता है। उल्लू बनाते हो, यहाँ से भागना चाहते हो? लेकिन मेरी बंदूक की गोली से तेज नहीं भाग सकते। देखो चलो क्रिकेट का मैच हो जाए, अगर हम जीत गए तो बाहर गए और अगर हार गए
तू ऊपर गए। ये क्रिकेट मैच क्यों रख दिया? डाकुओं से बचने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। ये डाकू है, इन्हें गोली चलाना आता है, चाकू चलाना आता है, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग करना कहाँ से आएगा? हम इन्हें आसानी से हरा देंगे। वेरी गुड आइडिया मेरे यार। अब लगता है हमारी जान बच जाएगी। क्रिकेट मैच? विचार तो अच्छा है, हमारा मन पसंद खेल क्रिकेट ही है। अरे उड़ी बाबा के बच्चे, तुमने तो हमें ऊपर उड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये क्या है? रिमोट कंट्रोल बॉम्ब है। अगर हमारे प्लेयर्स को आउट करने के लिए तुम्हारी उंगली उठी तो इस रिमोट पे मेरी उंगली दब जाएगी और तुम बॉम्ब के साथ ब्लास्ट हो जाओगे। टिंग टिंग। मैं अंपायरिंग कैसे करूँगा? अब सीताराम बॉल फेंकने आ रहे हैं और ये छक्का, और ये क्या छक्का, एक और बार छक्का। इस बॉल को पोटू ने सिर पे आने दी। इतना सुंदर कैच पोटू ने छोड़ दिया। बॉल जमीन पर टच कर ही नहीं रही है, ऐसा लगता है जैसे बॉल के पंख निकल आए हैं। लो, पैर भी निकल आए हैं और ये मारा चौका। ये नो बॉल थी, बहुत ही भाग्यशाली है छिपर सिंह की ये नो बॉल निकली। अगर ये नो बॉल नहीं होती तो अंपायर बहुत ही बदकिस्मत होते। और छक्का चौका छक्का, मैं तो थक गया छक्का चौका बोलते बोलते। छिपर सिंह गिरी ने कुल बनाए हैं 420 रन। ओवर्स खत्म हो गए हैं। अरे चिंगम जी भाई, आप अंपायरिंग बहुत ही क्लास करते हैं। हाँ। क्लास नहीं करता तो ब्लास्ट हो जाता। आई अम्मा, किधर फंस गया जी? अब तुम सब आउट दोगे, एक भी नो बॉल नहीं दोगे। ओके। अगर इस बार तुमने बेईमानी की तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ओके जी, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मार तो दोनों तरफ से ही खानी है। किधर किधर जाऊं? दोस्तों और साथियों को मेरा सलाम। मैं सरकार सिंह, आपका अपना प्यारा कमेंटेटर, फिर से एक बार आ गया हूँ। अंपायर चिंगम तैयार है, उन्होंने मेरे हाथ का रिमोट एक बार फिर देख लिया है। अब आ रही है मोटू बच्चों की टीम। बैटिंग करने वाले हैं डॉक्टर छक्का और छिपर सिंह ने बॉल डाली और आउट। छक्का आउट, छक्का आउट होकर जा रहे हैं। ये बॉल को बैट नहीं मार पाए तो अंपायर को मार दिया। इनकी शिकायत डाकू काउंसिल से की जाएगी और इन पे लाइफ टाइम बैन लगाया जाएगा। और चाय वाले आ रहे हैं, ये चाय वाले आए और ये गए। और मोटू की बैटिंग, मोटू ने कल्ला घुमाया लेकिन ये क्या, ऐसा लगता है कि उन्हें बॉल दिखी ही नहीं। बॉल विकेट कीपर के हाथों में सेफ। एक बार फिर बॉल विकेट कीपर के हाथों में। मोटू बल्ला घुमा रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मक्खी उड़ा रहे हैं। आउट। मैं क्या करूं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ करो पतलू। आइडिया, पतलू ने मोटू को समोसा खिलाया। बॉल भेगी और छक्का, यकीन नहीं हो रहा, छक्का, एक और छक्का, ये चौका, छक्के पे छक्का। सब उल्टा सुल्टा हो रहा है, कोई कुछ करता क्यों नहीं? इसमें बॉम्ब है, अगर तुमने शॉट मारा वो कमेंटेटर के हाथ से रिमोट का बटन दब जाएगा। ये क्या बॉल तेजी से मेरी तरफ आ रही है और मैं बाउंड्री के बाहर जा रहा हूँ। ये
एक बॉल बची है और चार रन बनाने हैं। अब तुमने शॉट मारा तो सब मारे जाओगे। पतलू कुछ समोसा बाकी है, मैं तो थक गया। बस इतना ही है। To watch more, download the all-new Vootkids app and start your 30-day free trial today.